नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आज का एपिसोड बेहद ही खास है क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स को आपके सामने रखने वाला हूं जो अब तक कहीं पे भी आपको नहीं दिखाया गया है। मेरे पास एक वीडियो मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने शेयर की हुई है जिसमें एक एंकर है जो अपना नाम गौरव बताता है और वो रामायण के साइंटिफिक एविडेंस देने की बात कर रहा है। कभी एस्ट्रोलॉजिकल डेटा दे रहा है, कभी कोई किसी साइंटिस्ट का नाम ले रहा है। बहरहाल सच्चाई क्या है वो तो इस वीडियो को आपको अंतिम तक देखने के बाद ही पता चलेगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस बंदे की एक एक क्लेम को और फिर उसका एक्चुअल फैक्ट क्या है वो भी सामने आते जाएगा। क्लेम नंबर वन, वो ओरिजिनली महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी कुछ 400 से 100 BC। देखिए ये दावा पूरी तरह से गलत है। 400 BC से लेकर 100 BC के बीच में कोई भी मेनोस्क्रिप्ट रामायण की या किसी संस्कृत अभिलेख की अभी तक नहीं मिली है। यहाँ तक कि वाल्मीकि नाम का कोई व्यक्ति का जन्म मरण या उसके जीवन काल का भी इस दौरान में कोई जिक्र नहीं मिला है। हाँ, इस दौरान जो सबूतें मिली हैं जैसे अजंता की कैप्स, उसमें बौद्ध जातक कथाओं का वर्णन आया है, वहाँ किसी वाल्मीकि का नहीं लेना देना है बल्कि ये पूरी तरह से बौद्ध मार्गियों का लेना देना है। और खास बात तो ये है कि इस 400 BC से लेकर 100 BC छोड़िए, यहाँ तक कि गुप्त काल पाल वंश तक की भी जो लिपि है उसको डिकोड किया ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने। क्लेम नंबर टू, क्योंकि रामायण और महाभारत दोनों में ही वेदों का जिक्र है जिससे ये साबित होता है ये दोनों ही कहानियाँ वेदों के बाद लिखी गई थी, यानी 1200 से 400 BC के बाद। और फिर हम ये भी देखते हैं कि महाभारत के आखिर के कुछ चैप्टर्स में रामायण का जिक्र है। इसका मतलब ये हो जाता है कि रामायण महाभारत से पहले लिखी गई थी, यानी 100 BC से 400 AD के टाइमलाइन से पहले। ये दावा भी वैसा ही है जैसे एक तो नीम दूजा करेला चढ़ा। सन 1031 में अबू रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी ने भारत में आकर यहाँ संस्कृत सीखी और यहाँ के कई पुस्तकों का अनुवाद अरबियों के लिए किया और अरबियों की कई पुस्तक का अनुवाद संस्कृत में किया। उसने साफ साफ लिखा कि वेद 11th सेंचुरी तक नहीं लिखे गए थे। उसने अपने 12th चैप्टर में लिखा है, ब्राह्मण लोग वेद को लिखने की आज्ञा नहीं देते क्योंकि उनका उच्चारण विशेष ताल स्वरों से होता है। वे लेखनी का प्रयोग इसीलिए नहीं करते कि कहीं कोई अशुद्धि और लिखित पाठ में कोई अधिकता या न्यूनता न हो जाए। उसने ये भी लिखा कि इस कारण वे कई बार वेद को भूल जाने से इसे खो भी चुके हैं। यानी 11th सेंचुरी तक तो वेद नहीं लिखा गया था। अब गौरव की बात ये मान लिया जाए कि रामायण और महाभारत वेद के बाद ही लिखे गए हैं तो ये बात भी सही हो जाती है कि 11th सेंचुरी के बाद ही लिखे गए हैं रामायण और महाभारत। यही नहीं, अलबरूनी ने 11वीं सदी में महाभारत शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने भारत शब्द का इस्तेमाल किया। और जब आप महाभारत की आदि पर्व पढ़ें तो वहां से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि भारत नामक ग्रंथ में 24,000 श्लोक होते थे और उसके बाद महाभारत बना जिसमें 1,00,000 से ज्यादा श्लोक हुए। यानी 11th सेंचुरी तक तो महाभारत भी नहीं लिखा गया था। लिपि और भाषा के आधार पर देखें तो रामायण और महाभारत या वेद जिन लिपि में लिखा गया है वह है देवनागरी लिपि और ये पिछले 800 ईयर्स के दौरान ही विकसित हुई है। उससे पहले धम्म लिपि चलती थी और धम्म लिपि में बौद्ध और जैन ही अपनी लिखावट लिखते थे। कुल मिलाकर गौरव ठाकुर का यह दावा कि रामायण महाभारत से पुराना है ये भी उतना सटीक नहीं है क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद अगर आप पढ़ें तो उसमें राजा जनक जो कि सीता के पिता हैं वो अपने दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि से राजा परीक्षित के बारे में पूछ रहे हैं और ये परीक्षित कौन है तो ये अर्जुन का पोता और अभिमन्यु का पुत्र है। यही नहीं, महाभारत में जो 12 राशियां हैं उनका प्रयोग नहीं हुआ है जबकि रामायण में फ्रिक्वेंटली ये प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा जो लेखनी है महाभारत की उसकी लिखावट भी रामायण की जो क्लासिकल संस्कृत है उससे पुरानी मानी जाती है। तो कुल मिला के रामायण पुराना है लेखनी में या महाभारत, ये पूरी तरह से विवादित मुद्दा है। यानी गौरव का ये दावा भी टाए फिस निकला। इसका नेक्स्ट क्लेम सुने। और इसी में अगर हम संस्कृत भाषा का एवोल्यूशन डेटा भी ऐड कर दें तो हमें ये पता चलता है कि रामायण में जो संस्कृत इस्तेमाल की गई है ना वो 400 BC के बाद ज्यादा कॉमन थी। पता नहीं इस गौरव ने किस गुफा में पढ़ाई की है, इसे ये
भी नहीं पता कि रामायण में जो क्लासिकल संस्कृत प्रयोग की गई है वो पिछले 700-800 ईयर्स के अंदर ही लिखी जानी पॉसिबल हुई है, क्योंकि ऐसे कई सारे स्वर हैं वो धम्म लिपि में पाए ही नहीं जाते थे, जैसे ओ, ए, अह, ये सारे स्वर काफी बाद में आए हैं और देवनागरी लिपि में ये फ्रिक्वेंटली प्रयोग होते हैं जिसमें रामायण को लिखा जाना पॉसिबल हो सका। ऐसे में 400 BC में ये कौन सी रामायण कहां से लिख दी गई? अब इनका नेक्स्ट क्लेम सुने। अलग अलग गुरुओं ने इसके कई सारे वर्जन बनाए ताकि लॉर्ड राम की ये कहानी सभी सामान्य लोगों तक पहुँच सके और वो इससे कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन सीख सके। क्या कहा, रामायण से इम्पोर्टेंट लेसन? चलो इस पर अभी हम बात करेंगे, पहले हम कालिदास का लिखा हुआ इस पर बात कर लेते हैं। अब कालिदास ने क्या लिखा, कहाँ पे उसका जन्म हुआ, कहाँ पे उसका मरण हुआ, इसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। ज्यादातर इतिहासकार तो इसे काल्पनिक मानते हैं, यहाँ तक कि उसके समय की जो लिपि है वो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने डिकोड की है, और बाकी के जो इसने अन्य लोगों का नाम लिया जैसे कामबन और तुलसी, इन सबके रामायण तो आपस में मैच ही नहीं करते। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जितने भी लेखक थे इनमें से किसी को भी रामायण नहीं पता था, ये कहीं से कॉपी पेस्ट करके मन मुताबिक स्क्रिप्ट लिखे जा रहे थे। अब इसके साथ ही एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ, कात्यायनी पुत्र के नाम पर एक किताब आई है ज्ञान प्रस्थान, जो कि रामायण का टीका कही जाती है। इसमें 12,000 श्लोक हैं, जबकि आज का जो रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि बाद में रामायण में मिलावट कर करके डबल कर दिया गया है। और कहां से इन लोगों ने ये सारी घटनाएं लिखी? तो ये सारी घटनाएं धम्म लिपि में, जो पाली भाषा में जातक कथाएं लिखी गई थी बौद्धों के द्वारा। मैं कुछ और भी फैक्ट दूंगा, आप देखते जाएं। अब आते हैं इनकी मोरल शिक्षाओं पे जो ये गौरव बता रहा था। इसका ये क्लेम सुने। फॉर एग्जाम्पल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लक्ष्मण राम के सौतेले भाई थे, लेकिन फिर भी दोनों में इतना प्यार था कि उन्होंने वनवास भी साथ में झेला। क्या, यूनिटी स्ट्रेंथ? राम ने लक्ष्मण के साथ ये कौन सी यूनिटी स्ट्रेंथ निभा दी? अरे लक्ष्मण की नई नवेली शादी हुई थी, उसकी नई नवेली दुल्हन थी, उसे 14 साल तक घर में छोड़वा दिया, ये यूनिटी स्ट्रेंथ थी? अपने सौतेले भाई का हक छीन लिया, उसकी वाइफ का हक छीन लिया, और ये गौरव बता रहा है कि ये साथ निभा रहे थे। इसने शूद्र संभुक्त है उनका गला काट दिया इस बात पर कि अगर शूद्र ज्ञान लेने लगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मरने लगते हैं, ये मोरालिटी थी। असल गौरव ने रामायण कभी पढ़ा ही नहीं। अब इसका अगला क्लेम सुने। इक्वालिटी। भगवान राम एक वानर सेना लेके निकले थे, इसी से ये साबित हो जाता है कि वो किसी भी जीव को अपने से कम नहीं समझते थे। अरे राम वानर सेना को इक्वालिटी दिखाने के लिए नहीं लेकर निकला था, ये उसकी मजबूरी थी। जब उसने बाली को छुपकर मार दिया तब उसने राजगद्दी सुग्रीम को सौंप दी, और फिर सुग्रीम अपनी रानियों के साथ व्यस्त था, तब लक्ष्मण आग बबूला होकर जान से मारने के लिए सुग्रीम के पास पहुंच गया। आप वाल्मीकि रामायण के किसी कंधा कांड के सर्ग 30-31 देख लीजिए, श्लोक 4 में लक्ष्मण खुद कहता है कि मेरे क्रोध का वेग बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता, असत्यवादी सुग्रीम को आज ही मार डालता हूँ। अब बाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करे। सीधी सी बात है कि राम लक्ष्मण की मजबूरी थी वानर सेना को लेकर जाना, न कि इक्वालिटी का मैसेज देना। अब इसका अगला क्लेम सुने। प्राइड लीड्स टू लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। अब इस क्लेम में गौरव कहना क्या चाहता है, दो टुक शब्द बोल के भाग गया। दरअसल इसे पता था अगर यहाँ पे इसने कुछ एक्सप्लेन किया तो इसकी पूरी पोल खुल जानी है। दरअसल उसके पास सुपर्णखा नाम की एक औरत आती है जो कि उसे प्रपोज करती है, तो वह उससे झूठ बोलकर लक्ष्मण के पास भेज देता है। वो जान रहा है कि लक्ष्मण शादीशुदा है, फिर भी झूठ बोलकर भेजता है उसके पास। आप वाल्मीकि रामायण के अर्यंड कांड के 3-4 श्लोक देख लीजिए, इसमें राम क्या कह रहा है, ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े सीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न हैं। इनके साथ स्त्री नहीं है, ये अपूर्व गुणों से संपन्न हैं। ये तरुण तो हैं ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है, अतः इन्हें भार्या यानी पत्नी की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। इस तरह झूठ बोल के सुपर्णखा को लक्ष्मण के पास भेजता है और लक्ष्मण उसका नाक और कान काट देता है। और गौरव बता रहा है हम रामायण से कुछ अच्छा सीख ले रहे हैं। अब इसका अगला क्लेम सुने।
सबूत नंबर वन, भगवान राम की जन्म तारीख है 10th जनवरी 5114 BC। श्री राम चैत्र महीने के 9th तिथि पर पैदा हुए थे, वो भी दिन के वक्त और उस वक्त अलग अलग प्लैनेट्स, स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस की क्या पोजीशंस थी, ये महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के पहले कांड के 18th चैप्टर में मेंशन किया है। ये है इसका मेन क्लेम जिसको मैं पूरी तरह से डिबंक करने वाला हूँ। दरअसल ये जिस प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है, उसके बारे में ये लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या लूप होल है। इसने जन्म तिथि बताई 10 जनवरी 5114 BC, लेकिन वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है चैत्य शुक्ल, वहाँ पे चैत्य और शुक्ल की बात आ रही है। और आप जानते हैं कि जो चैत्य शब्द है वो शक संवत का चैत्य महीना है, और शक संवत आया है 78 AD से, जो बौद्ध सम्राट कनिष्क के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि ये किताब शक संवत आने के बाद ही लिखी गई है। बाद में विक्रम संवत 9वीं और 10वीं सदी के बाद इसी शक संवत से कॉपी करके बनाया गया। हालांकि उसकी कैलकुलेशन ईसा से भी 58 ईयर्स पहले से होती है, लेकिन जो एविडेंस है वो साफ साफ ये बताते हैं कि वो 9 से 10 सेंचुरी के बाद ही बनाया गया। आप लोग डिटेल से वीडियो 148-149 साइंस जर्नी पर देख सकते हैं, उसमें पूरा कैलेंडर का इतिहास आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए, ये जो प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी, एक वेबसाइट है vedicm.com, इसने दावा किया है। अब उसने क्या दावा किया है वो मैं पढ़ के ही आपको सुना देता हूँ। जिस प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है वह वास्तव में ईसा पूर्व 3000 से पहले का सही ग्रह गणित करने में सक्षम नहीं है, वस्तुतः 2013 ईस्वी, ये देखिए क्या लिख रहा है, वस्तुतः 2013 ईस्वी से पहले का ग्रह गणित करने हेतु यह सॉफ्टवेयर सक्षम ही नहीं है। इस गणना द्वारा प्राप्त ग्रह स्थिति में शनि वृश्चिक में था, उच्च तुला में नहीं था, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में न होकर पुष्य के द्वितीय चरण में ही था, तथा तिथि भी अष्टमी थी। अब देखिए इतना बड़ा लूप होल है कि तिथि भी अष्टमी आ रही है और जो पांचों ग्रह उच्च स्थिति में होने चाहिए थे उसमें से एक उच्च स्थिति में भी नहीं है, नक्षत्र भी चेंज है। इसी में आगे लिखा हुआ है कि बाद में अन्य विशेषज्ञ द्वारा इजप्लिट 431 सॉफ्टवेयर द्वारा की गई सही गणना में तिथि तो नौमी हो जाती है। देखिए अब तिथि अष्टमी से नौमी कर दी गई एक दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा, परंतु शनि वृश्चिक में ही आता है, यानी जो शनि ग्रह है वो अभी भी उच्च पे नहीं है, तथा चंद्रमा पुष्य के चतुर्थ चरण में है, यानी चंद्रमा की भी स्थिति गड़बड़ है। अतः 10th जनवरी 5114 ईसा पूर्व की तिथि वस्तुतः श्री राम के जन्म तिथि सिद्ध नहीं हो पाती है। अब देखिए ये वैदिक एम वाले खुद कह रहे हैं कि प्लेनेटेरियम जो सॉफ्टवेयर है वो गलत डेटा दे रहा है, मिसलीडिंग है, उसमें बहुत बड़ा लूप होल है। अब ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष वाले ही खुद कह रहे हैं। तो ये कौन मूर्ख ढपोर संघ है जो एक सॉफ्टवेयर को लेकर राम की एज 10th जनवरी को बता रहा है? और ये 10th जनवरी क्या होता है? 10th जनवरी में चैत महीना आता है। आजकल आप देखें तो चैत महीना हमेशा ही अप्रैल के इर्द गिर्द में आता है, कैलेंडर में भी लूप होल होता है। कुल मिला के इतने बड़े लूप होल के आधार पर इस गेट सेट फ्लाई फैक्ट के एंकर ने कैसे ये दावा ठोक दिया कि राम का जन्म 10th जनवरी 5114 BC को हुआ था? है ना ढपोर संघ वाली बात। अब इसका अगला क्लेम सुन लीजिए। जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास ने इस एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को अमेरिका से खरीदे हुए प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा, तब उन्हें ये पता चला कि प्लैनेट्स और स्टार्स की ऐसी पोजीशन 10th जनवरी 5114 बीसी के दोपहर के वक्त हुई थी। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है? कि इस डेट को जब लूनर कैलेंडर यानी हमारे भारतीय कैलेंडर में कन्वर्ट करके देखा गया, तब ये पता चला कि लूनर कैलेंडर के अनुसार ये डेट शुक्ल पक्षा के 9th डे पर आता है, इन द मंथ ऑफ चैत्रा, और वो भी बराबर 12 से 1 PM के बीच में। ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस राम के अन्य सौतेले भाई यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म पर भी दिए गए, जिन्हें अगर हम प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो राम के जन्म के कुछ सालों बाद ही इनकी भी टाइमलाइन सामने आती है। तो क्या कहा इनने, राम के सौतेले भाइयों का जन्म उसके कुछ वर्षों बाद? वे बेवकूफ हो गए हो क्या? खीर एक साथ खाया था। आप बालकांड के ही 16वें सर्ग को ध्यान से पढ़ लो, उसका 31 श्लोक गौरव तो बता रहा है कि कई वर्षों का अंतर आ रहा है प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर से निकालने पर। देखिए यहीं पे पकड़ी गई इनकी चोरी। और जिस 18th चैप्टर में ग्रह नक्षत्र की बात कर रहा है उसी के 11th से लेकर 15th श्लोक को ध्यान से देख लो, उसमें तो बोल रहा है कि राम आधे खीर से पैदा हुआ, भरत जो है एक चौथाई के भी कम हिस्से के
खीर से पैदा हुआ और बाकी के दोनों भाई जो बचे हुए खीर थे उनसे पैदा हुए। अब ये खीर की पैदाइश की बात हो रही है, इसको ये प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर से निकाल के बता रहा है, वो भी कई वर्षों का अंतर बता रहा है। ऐसे ही गलत हो गया। अब इनका नेक्स्ट क्लेम देख लीजिए। पुट नंबर 2, राम्स एज ड्यूरिंग एग्जाइल वाज 25। देखिए, फिर इस बंदे ने एक बहुत बड़ा गफा, ये भी इसको प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर से पता चला। आगे ये दशरथ का राशि ग्रह नक्षत्र बताने लगता है, जबकि एक बात आप जान लीजिए कि ये जितने भी ग्रह नक्षत्र और राशियां हैं ये गुप्त काल से पहले पाई ही नहीं गई हैं, और गुप्त काल में जिन लोगों के नाम पर बताई जाती हैं उन लोगों के आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। फिर भी बहरहाल हम एक पल के लिए मान लें कि आर्यभट्ट नाम का कोई बंदा था, वराहमिहिर नाम का कोई बंदा था, तो इनके नाम पर ग्रह नक्षत्र की बातें आती हैं। तो क्या इस समय बैठकर रामायण लिखा जा रहा था? और उस समय की जो लिपि है वो तो ब्रिटिश काल तक पढ़ी ही नहीं जा सकी, यानी कि ये कुल मिला के जब देवनागरी लिपि आई है 1000 ईयर्स के अंदर उस समय लिखी गई है। तो उस समय जो बंदा लिख रहा था जिसको गुप्त काल की लिपि तक नहीं पढ़ने आ रही थी, वो बंदा आज से लाखों लाखों साल पहले की बात कैसे उसे पता चल गई? कौन सी गप हाँक रहे हो यहाँ पे? एक बात आप क्लियरली जान लीजिए, जब से ग्रीक भारत में आने लगे हैं तभी से भारत में ग्रह नक्षत्र राशियों का कंसेप्ट आना शुरू हुआ है, यानी ये कहानी भी काफी बाद में रची बुनी गई है और उसके आधार पर ये रिवर्स बैक जा रहे हैं, टाइम ट्रेवलिंग करके पहुंचा दे रहे हैं कि राम का जन्म हजारों साल पहले हुआ और लाखों साल पहले हुआ। अब इसका अगला क्लेम सुने। सबूत नंबर 3, राम सेतु आज से 7000 साल पहले बनाया गया था, यानी तकरीबन 5000 BC के अराउंड। देखिए, यहाँ भी इसने एक बहुत बड़ी झूठ का सहारा लिया है। ये बोल रहा है कि राम सेतु जो है 7000 ईयर्स पहले बनाया गया। अरे ढपोर शंख महोदय, रामायण ढंग से तुम पढ़ लेते तो उसमें त्रेता युग की बात आ रही है और बंदर भालू जो है उठा के बड़े बड़े पहाड़ समुद्र में डाल रहे हैं, रास्ता बना रहे, ये बात लिखी हुई है। लेकिन जिसे तुम राम सेतु बता रहे हो वो राम सेतु नहीं है, वो कोरल रिप्स का जमाव है। और ये जो कार्बन डेटिंग की बात कर रहा था, इस बंदे को पता भी नहीं है कि पत्थरों की कार्बन डेटिंग नहीं होती है। कार्बन डेटिंग उन पदार्थों की होती है जिनमें कार्बन अवेलेबल हो, जैसे कोरल रिप्स। ये जंतु होते हैं लेकिन जब मरते हैं तो एक के ऊपर एक इकट्ठे होते जाते हैं, कार्बन का इनमें अवशेष होता है, इनकी कार्बन डेटिंग होती है। और फिर इसने एक सहारा ले लिया चेल्सी रोज का, ये भी दावा पूरी तरह गलत है। अरे वो महिला बता रही है 4000 ईयर्स पहले वहां पे सेंड है, इसकी मैंने पूरी डिटेल्स बना रखी है, आप लोग वीडियो 123 देख लीजिए। जिस साइंस चैनल का ये हवाला दे रहा है उसकी एक्चुअल स्टेटमेंट की आप वीडियो 31 भी देख लीजिएगा। राम सेतु पर मैंने 2 वीडियो बनाई है, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस तथाकथित राम सेतु का कुछ लेना देना ही नहीं है रामायण से। अब आते हैं इस बंदे के आखिरी क्लेम पे। ये सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि रामायण के अनुसार रावण के महल के एंट्रेंस की पहरेदारी 4 टस्क्स वाले हाथी किया करते थे। अब ये कोई काल्पनिक जीव नहीं है, ऐसे जीव 1 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट किया करते। दरअसल इसने कभी रामायण पढ़ा ही नहीं है। रामायण के सुंदर कांड के 9वें सर्ग के 5th श्लोक में 3 से 4 हाथी के दांत की बात की गई है, और वो जो सीन है वो रावण के अंतःपुर का बताया जा रहा है। लेकिन ये कॉपी किया गया है बुद्ध चरितम में, जो गौतम का अंतःवास था वहां से। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो है ईबी कार्डवेल ने कहा है। जब वो बुद्ध चरितम के अपने संस्करण लिख रहे थे तब उन्होंने ये पाया कि रामायण का जो सुंदर कांड है उसका 9th से 11th सर्ग तक, मतलब 1-2 श्लोक नहीं, पूरे के पूरे जो 3 सर्ग हैं 9th, 10th, 11th, और इसी 9th सर्ग का ये श्लोक है जिसमें 3-4 हाथी की बात आ रही है, ये पूरे के पूरे कॉपी किए गए हैं बुद्ध चरितम के चैप्टर पे। आपको बस दोनों का कंपेरेटिव स्टडी करना है। ये बात बताइए विदेशी तक कह के जा रहे हैं। बहरहाल इस पॉइंट को अगर साइड भी कर दें तो अब बात आती है कि ये 3-4 दांत वाले हाथी जो हैं 1 मिलियन ईयर्स पुराने अगर हैं तो इससे रामायण का क्या लेना देना? क्या 10 लाख साल पहले इंसान महल बना के रहते थे और हाथियां उनकी पहरेदारी करती थी? क्या साबित होता है इससे? जब इतना ही साबित करना होगा तो उत्तरकांड का जो सर्ग 35 है उसमें एक बानर का बच्चा जो है लाखों किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ जाता है और सूर्य को हाथ से पकड़ लेता है। इसमें कौन सा विज्ञान है, ये क्यों नहीं देख लेते? ये भी तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। ऐसे हजारों गप्पे लिखी हुई है इसमें, लेकिन इस बंदे ने एक पॉइंट को उठाकर इसको साइंस से जोड़ने की कोशिश की। दरअसल ईबी कार्डवेल ने साफ साफ लिखा है कि अश्वघोष रचित बुद्ध चरितम के गौतम के अंतःपुर का दृश्य है वह आवश्यक अंग है, जबकि रामायण के सुंदर कांड का सर्ग 9 से 11 तक का दृश्य अनावश्यक विस्तार है। वस्तुतः यह अंश वाल्मीकि का नहीं, यह अनुकरण यानी कॉपी पेस्ट किसी परवर्ती छेपक
लेखक की कृति है, यानी ईवी कार्डवेल कह रहे हैं कि बाद में किसी ने मिला दिया है। और ये हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश काल में ब्राह्मणों ने कैसे अपने ग्रंथों में मिलावट की हुई है। आपने विमान शास्त्र का नाम सुना होगा, कैसे शास्त्री ने 1922 में लिखा किताब और उसे बता दिया कि ये 4000 साल पहले किसी महर्षि भारद्वाज ने लिखी हुई है। इसकी पूरी डिटेल्स उपलब्ध है वीडियो 19 में, वीडियो 15 में आप जाकर देख सकते हैं। कुल मिलाकर गौरव ने जितने भी दावे किए वो सारे के सारे फैक्टलेस थे, उनका साइंस से कुछ लेना देना नहीं था। सारे ब्राह्मणों की ये गप्पे थी जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे दिन रात प्रचारित की जाती हैं। साथ में मैं ओपन चैलेंज देता हूँ गेट सेट फ्लाई फैक्ट के इस एंकर गौरव ठाकुर को, आकर मुझसे डिबेट कर ले इस रामायण के एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर। तो ये मैसेज उस तक जरूर आप लोग पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और अगर आप मेरे डिबेट चैनल रेशनल वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पे ऐसे ही ढपोर संखों से अक्सर हां डिबेट करते हुए पाया जाता हूं। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।